नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताऊंगा। आज मैं बुक और पेज पे नहीं बताने वाला हूं, मतलब कापी किताब पे आप आज दोस्तों मैं आपको मेजरमेंट निकालने नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल कैलकुलेटर से आप विंडो का साइज कैसे निकालेंगे। दोस्तों आप एक मिनट में 2 से 3 विंडो का मेजरमेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी बैरिंग बॉटम ग्लास हैंडल इंटरलॉक का सबका मेजरमेंट आप सिर्फ एक मिनट में निकाल सकते हैं 2 से 3 विंडो का, ठीक है। तो दोस्तों इस पे मुझे कमेंट भी आया था, सरफराज खान भाई मुझे कमेंट किए थे, भाई एक बार मोबाइल कैलसी से माइनस करके वीडियोस बनाओ प्लीज़। तो दोस्तों इनका कमेंट मुझे अच्छा लगा और इस पे मैं कभी अभी तक वीडियो नहीं बनाया था मोबाइल कैलकुलेटर से कैसे विंडो का साइज निकालते हैं, आज मैं इसके ही बारे में बताऊंगा। और मुझे एक कमेंट और आया था दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो कमेंट रहता है और मैं वीडियो नहीं बनाया रहता हूं दोस्तों, वो मैं कमेंट पिक कर लेता हूं। ये जो दूसरा कमेंट है इनका कमेंट आया था अजय खान के नाम से, ठीक है। ये अजय खान मुझे कमेंट किए हैं, सर किसी भी सेक्शन का माप निकालने का आसान तरीका बताओ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट बता दूं, एक विंडो का आप मेजरमेंट निकालने अगर जानते हैं कोई भी सेक्शन हुआ, जैसे 2 ट्रैक विंडो 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का सेक्शन में आप विंडो बनाने जानते हैं 2 ट्रैक का, ठीक है, और मेजरमेंट उसका निकालने जानते हैं, तो आप 3 ट्रैक का 4 ट्रैक का 5 ट्रैक का आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको 1.5 इंच 1.5 इंच प्लस करते जाना है। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल कैलकुलेटर पर, वहीं पर आपको सब चीज़ मैं दिखाऊँगा कैसे मैं मेजरमेंट निकालता हूँ कैलकुलेटर मोबाइल से। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे मैं ओपन कर चुका हूँ। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 फीट चौड़ा और 3 फीट हाइट का मेजरमेंट बताऊँगा, ठीक है, 2 ट्रैक विंडो का। दोस्तों 18mm बाई 40mm का ही हम 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का सेक्शन बोलते हैं। तो मैं 3 फीट आपको चौड़ाई का मेजरमेंट निकाल के दिखाता हूँ कैसे मैं माइनस करता हूँ। स्टार्ट कर दिया हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 36 इंच हमारी चौड़ाई हो गई। हमें 2 ट्रैक विंडो बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच माइनस करने के बाद 29 हाफ साइज़ बचा, मैं बराबर कर देता हूँ। उसके बाद हमें भाग कर देना है 2 का, ठीक है, भाग करो या डिवाइड करो सेम होता है। तो 2 का डिवाइड करते ही हमारा 14 3/4 आ चुका है साइज़, मैं यहाँ पर बराबर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ आप लोग भी ऐसे ही मोबाइल से निकाल लिया करो। सिर्फ आपको आना चाहिए मेजरमेंट, कितना मुझे माइनस करना है कितना प्लस करना है, ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हमारी चौड़ाई की मेजरमेंट निकल चुकी है 14 3/4 14 6 सूता बैरिंग बॉटम का साइज हमारा हो गया, ठीक है। दोस्तों अगर आप ये 1.8 1.4 3.8 1/2 5.8 3.4 7.8 नहीं जानते हैं कैलकुलेटर में किस तरीके से देखा जाता है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाया हूँ मोबाइल से कैलकुलेटर से कैसे इंची टेप देखें, इस तरीके का आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मेरा वीडियो आपको फर्स्ट या सेकंड दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 36 इंच अब फिर से ले लिया हूँ, ये मेरा हाइट है। तो हाइट में दोस्तों 1.5 बाई 1.5 का सेक्शन है, तो आपको सबको मालूम है 1.5 1.5 इंच माइनस करना पड़ता है। जिसको नहीं मालूम है भाई वो समझ लो 1.5 इंच आपको हाइट में माइनस करना पड़ेगा आपका जो हैंडल इंटरलॉक कटिंग करने के लिए, ठीक है। फुल मेजरमेंट से आपका जो हाइट रहेगा उसमें से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो आपका हैंडल इंटरलॉक का साइज निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 36 में से माइनस हो गया 1.5, बच गया हमारा देख सकते हैं 34 हाफ। फिर से हम ग्लास के साइज निकालना चाहते हैं तो हमें हैंडल इंटरलॉक में से फिर वापस माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट भी निकालने बता दूंगा, हालांकि पहले हैंडल इंटरलॉक में से फिर से माइनस कर लेते हैं, ठीक। अगर आप नीचे बेयरिंग बॉटम डालते हो जो शटर में हम लगाएंगे जिसमें हम बेयरिंग बांधते हैं, वही चीज़ अगर ऊपर भी सेम लगा देते हो, ठीक है, तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं 3.5 इंच माइनस करते हैं ग्लास के लिए, ठीक है। हमें माइनस कर देना है 3.5, 3.5 इंच हम माइनस करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं 31 इंच हमारा ग्लास का साइज हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आप 3.5 इंच माइनस करेंगे तभी जब आप नीचे बैरिंग बॉटम ऊपर बैरिंग बॉटम डालेंगे तो, ठीक है। कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं नीचे बैरिंग बॉटम डालते हैं ऊपर हैंडल डाल देते हैं या शटर टॉप डाल देते हैं, ठीक है, उसके लिए उनको 3 इंच माइनस करना पड़ेगा। चलिए मैं उसको भी माइनस करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 36 माइनस 1.5, ये हमारा हैंडल इंटरलॉक का साइज तो था ही। उसके बाद हम माइनस करेंगे इसमें 3 इंच माइनस करेंगे, दोस्तों देख सकते हैं 31.5 इंच हमारा साइज आ चुका है ग्लास का।
और कुछ लोग दोस्तों अलग अलग दोस्तों तरीके से माइनस करते हैं, मैं सही बताऊं यही प्रॉपर माइनस करने का तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस होता है और सेम इतना ही माइनस होता है जितना मैं आपको बताया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको, कुछ लोग दोस्तों 2.5 इंच भी माइनस करते हैं, उसके लिए दोस्तों अभी 2.5 इंच तो बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि नीचे आप शटर टॉप डालेंगे तो उसमें आपको मशीन से फाड़ना पड़ता है, उसके बाद उसमें व्हील बैठाएंगे, ठीक है। तो व्हील बैठाने के बाद उसमें फिर बहुत खाँचा बीचा मारना पड़ता है और टाइम लगता है, उसमें नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आपको 1.8 लिख के दिखा देता हूँ। 1.8 लिखना है कैसे, 0.125, पहले आपको पॉइंट देना पड़ेगा। अगर हम इसको गूढ़ा दो कर देंगे, देखिए 0.25 आएगा, देखिए 0.25 आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम माइनस करते हैं मोबाइल कैलकुलेटर से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपका जो कमेंट रहेगा दोस्तों, आप अपने हिसाब से कमेंट करके मुझे बता सकते हो वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं दोस्तों आप ये भी कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिया जय हिंद जय भारत।